डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय का ये वनस्पति उद्यान है, इसमें ये लगा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि ये जो है सागर संभाग में एक ही वृक्ष है और इससे जुड़ी कई किंवदंतियाँ भी हैं। और कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि साहब इसकी जो पत्तियाँ हैं ये कटोरी नुमा क्यों हैं और इसका नाम माखन कटोरी क्यों पड़ा। तो जो ऐतिहासिक वर्णन लोगों ने किया है उसमें ऐसा है कि एक किंवदंती है जिसके तहत ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण जो है उनको माखन खाने का बड़ा शौक था और कई दफ़ा वो माखन चुराने का काम भी करते थे। और एक बार उन्होंने एक बरगद के वृक्ष पर बैठकर माखन छुपाने की कोशिश की और उन्होंने इस तरीके से उन पत्तियों को मोड़ा कि वो उसमें कटोरी नुमा आकार बन गया और उसके बाद से वो उसमें माखन छुपा के और लोगों को दिखाया करते थे। जैसे आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ इस पत्ती बिल्कुल सपाट है और पीछे जो है ये कटोरी नुमा आकार बना हुआ है। तो ये इसको माखन कटोरी के नाम से भारत में जाना जाता है। इसका एक और नाम है कृष्ण बट, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इसको अपनाया था इसलिए इसका नाम कृष्ण बट भी जाना जाता है। जो वनस्पतिक नाम है उसका ये है फाइकस कृष्णाई। और वनस्पति की दृष्टि से जब हम पौधों का वर्णन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो ये मोरेसी कुल के अंतर्गत इसको रखा गया है। और ये कई तरीके से बड़ा महत्वपूर्ण वृक्ष है। एक तो यह कि बहुत आसानी से इसको लगाया नहीं जा सकता, लेकिन हमारे यहाँ वनस्पति उद्यान में हम लोगों ने कुछ वर्ष पहले 4 इस तरीके के वृक्ष तैयार किए थे। उसमें से 3 जो है संभागीय स्तर पर वितरित भी किए थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो नहीं हो पाए। इसका एक और हिस्सा हमने अपने उद्यान में लगा रखा है, वो भी अभी बड़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। और ऐसा माना जाता है क्योंकि ये भारतीय उपमहाद्वीप का पौधा है, लेकिन कहीं कहीं श्रीलंका और दक्षिणी अफ्रीकी देशों में भी इसको देखा गया है, पर मूलतः ये भारतीय पौधा है। इसके अलावा इसकी अनेक विशेषताएं हैं और ख़ास तौर से आयुर्वेद में इसके उपयोग को वर्णित किया गया है। जो रोग होते हैं कुछ, चाहे वो बुखार हो, डायरिया हो, अल्सर हो, सिफिलिस हो, जुखाम सर्दी हो, इन्फ्लेशन हो और उल्टी दस्त, इस तरीके के अगर रोग हों तो उसमें इस वृक्ष का उपयोग देखा गया है, माना गया है। तो इस तरीके से ये एक बड़ा विशिष्ट वृक्ष है और हमारे यहाँ इस उद्यान में ये लगभग 65 वर्षों से यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये वृद्धि कर रहा है और हम समझते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे नगर के लोगों में के लिए और सामान्य जनमानस के लिए, कि जहाँ हम इस अद्भुत वृक्ष को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं।